पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक जोड़ी पायल, 6 चांदी के सिक्के और 3,03,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली की एडिशनल डीसीपी अर्चन गर्ग ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल्ली से सटे नोएडा निवासी इस्लाम के तौर पर हुई है। एडिशनल डीसीपी ने यह भी बताया है कि 11 अक्टूबर को न्यू कोंडली में रहने वाले उदय चौधरी ने रिपोर्ट दी थी कि वह और उनकी पत्नी नोएडा यूपी में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। शाम को जब उनकी पत्नी घर पर वापस लौटी तो उसने पाया कि किसी ने उनके घर में 5,00,000 नगद, 6 चांदी के सिक्के, 1 जोड़ी पायल और लैपटॉप बैग चोरी कर लिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्राइम टीम को बुलाया और दोनों ने मिलकर अपराध स्थल का विश्लेषण किया। मौके से एक घर तोड़ने वाला उपकरण बरामद किया गया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।